नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। 10 अक्टूबर की सुबह गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में तकरीबन 8:16 पर नेताजी ने अंतिम सांसें ली। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गाँव सैफई में किया गया और बीते कल 17 अक्टूबर सोमवार के दिन हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा नदी में उनकी अस्थियों को विसर्जित किया गया। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव ने पूरे ही विधि विधान से प्रक्रियाओं को निभाया और उनके साथ यहां पर परिवार के तमाम सदस्य भी मौजूद रहे। आपको बता दें, डिंपल यादव, अखिलेश यादव के अलावा उनके तीनों ही बच्चे शिवपाल सिंह यादव, उनके बेटे आदित्य यादव, अभयराम यादव और उनके दोनों ही बेटे धर्मेंद्र यादव और अभिषेक यादव उनके साथ नजर आए। तो वहीं यहां पर परिवार के तमाम सदस्य मौजूद रहे और यहां पर समर्थकों की भीड़ भी नजर आई। मुलायम सिंह यादव जो इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं, उनके गुजर जाने के बाद अब यहां पर परिवार से जुड़े कई राज तो खुलते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ राजनीतिक समीकरण भी बनते हुए देखे जा रहे हैं। इस वक्त देखा जाए तो उनके तमाम समर्थक अपने दुख को जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें, अस्थियां विसर्जित होने के बाद अब यहां पर एक बेहद बड़ा संदेश आ चुका है। मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए अपने दिल की बात अब शेयर की है फेमस कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव ने। राजपाल यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है नेताजी के लिए, जरा देखिए ये रिपोर्ट। नेताजी, आपको हृदय से नमन करता हूँ और आप राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा अपने जीवन काल में जो है वो धरती पुत्र के रूप में टॉप 5 राजनीतिक स्तंभों में एक स्तंभ हमेशा रहे हैं। आपने बहुत कुछ जो है देश के लिए किया है और आपने अपूर्व सेवा की है। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे और आप हमेशा हम लोगों के बीच में एक प्रेरणा बन के हमेशा हम लोगों के साथ रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि राजपाल यादव जो परिवार का सहारा बने हुए हैं और लगातार अपने दुख को जाहिर कर रहे हैं। अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की, अखिलेश यादव से मिलने सैफई उनके घर पहुंच रहे हैं उनके समर्थक और साथ ही साथ यहां पर कई फिल्म स्टार और राजनीति की दुनिया से कई वरिष्ठ और दिग्गज नेता भी। तो वहीं राजपाल यादव ने यहां पर बताया है कि नेताजी कितनी बड़ी प्रेरणा रहे हैं। वाकई में देश की राजनीति में, देश के केंद्र में मुलायम सिंह यादव बेहद बड़ी हस्ती रही जो आज हमारे बीच नहीं है। 3 बार मुख्यमंत्री, 10 बार विधायक और 7 बार वह सांसद रहे, लेकिन आज वह हमारे बीच नहीं है। 21 अक्टूबर के दिन उनकी शोक सभा का आयोजन किया जाएगा, पूरे ही यूपी में शोक सभा का आयोजन किया जाएगा और मुलायम सिंह यादव को लगातार सभी याद करते हुए अपने दुख को जाहिर कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।